का खास उन्वान होगा। चूंकि बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब इंसान जवानी के मरहले में पहुंचता है और मुख्तलिफ उसके मराहल से गुजरता है और इस्लाम की रहनुमाई अगर उन मरहलों में उसे ना दी जाए तो फिर होता यह है कि वो फासिद मोहब्बत को, झूठी मोहब्बत को, गलत मोहब्बत को, नफ्सियाती ख्वाहिशात को हकीकी मोहब्बत समझने लगता है और उसके बाद उसको अपने जिंदगी का महवर, सेंटर पॉइंट बना देता है और पूरी जिंदगी उसकी उसके अतराफ घूमती है। और इसमें देखा जाता है कि लाइलमी की बुनियाद पर समाज भी सपोर्ट कर रहा है, माशरा भी सपोर्ट कर रहा है, आसपास वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि मोहब्बत कर रहा है ना वो किसी से। और फिर ये फासिद मोहब्बत के असरात ये होते हैं, सारा समाज फजूलियात में, जुल्म और सितम में, परेशानी में, डिप्रेशन में और पता नहीं क्या क्या बीमारियां लायक हैं। उन नौजवानों या उन नौजवानों के वालिदैन इस बात को बता सकते हैं जिन नौजवानों को मोहब्बत की हकीकत नहीं सिखाई गई, जिसके वजह से वो फासिद मोहब्बत के शिकार हो गए और जिसके वजह से खानदान बर्बाद हुए, खानदानों में रंजिशें आ रही है, निकाह टूट रहे हैं। शादी से पहले जो है खबर आती है कि फलां लड़की जो है फलां है, फलां लड़के का फलां से अफेयर है और निकाह टूटते हैं। तो ये इस माशरे की जरूरत है कि वालिदैन अपने बच्चों को जब वो जवान होते हैं और जवानी की दहलीज पर दाखिल होते हैं तो इल्म बलूगत उन्हें दे, एडल्टहुड एजुकेशन दे कि अब वो जवान हो रहे, बालिग हो रहे हैं, उनको कुछ चीजें जानना जरूरी है और जिसमें बिलखसूस उन्हें मोहब्बत की हकीकत जरूर भी जरूर सिखाए। वरना ये इल्म ना देने की वजह से होता ये कि सारा माशरा इसके नुकसान भुगत रहा है। और अगर आज भी इस बात को हमने नहीं समझा और इस चीज की तालीम आवाम में आम नहीं की और नौजवान को ये नहीं बताया गया कि हकीकी मोहब्बत क्या है तो फिर इसके नुकसान हम भुगत रहे हैं। और आगे चल के मैं समझता हूँ ना सिर्फ नुकसान भुगतना पड़ेंगे, शायद अल्लाह रहम करे कि ये फासिद मोहब्बतें जो आजकल हो रही है वो शायद मामूल बन जाए, एक आम चीज हो जाए। और अगर कोई हकीकी मोहब्बत करे तो लोग उसे पागल समझने लगे कि ये कौन सी मोहब्बत है, मोहब्बत ऐसी की जाती है। तो आइए इंशाल्लाह अजीज कुछ बातें इसी तरह से मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये